रुक करते हैं खबरों की ओर। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि हम सब नंबर लेने के लिए आईडी देते तो हैं, लेकिन फिर उसके बाद उस आईडी का क्या क्या होता है जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस खबर को पूरा देखते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। सबके पास कई फ्रॉड कॉल और एसएमएस आते होंगे और वो सभी नंबर किसी और के नाम पर होते हैं, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपके नाम का नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल संभव है, और ये खेल देश में बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। किसी आईडी को कोई और इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि कोई एक शख्स नहीं बल्कि कई लोग हो सकता है कि आपकी आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, और पूरा कोरक धंधा इस सिम बेचने वाले रिटेलर और मुनाफा कमाने के लिए टारगेट को पूरा करने के लिए खुद टेलीकॉम कंपनियां ऐसा करती हैं। पर हाँ, आप इससे खुद को बचा सकते हैं, पर कैसे ये आपको हम बताते हैं। इससे आप बड़ी सरलता से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे दरअसल आप दूरसंचार विभाग की एक वेबसाइट है जिसका नाम है टेफकॉम, यानी कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस पर जाकर आप अपना नंबर डालेंगे, जिसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, और उस ओटीपी को डालते ही आपकी आईडी से जितने भी नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी आपके सामने होगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नंबर है जो आपकी जानकारी में नहीं है, तो आप इसकी शिकायत करके उसको तत्काल बंद करा सकते हैं, जिससे आप कोई बड़ी घटना घटित होने से पहले खुद को बचा सकते हैं।